सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो अगेन डॉक्टर जाकिर नायक साहब का एक बयान है, जिसमें एक सरदार जी हैं जिन्होंने डॉक्टर जाकिर नायक साहब से पूछा था कि जब गुरु नानक देव जी काबा गए थे तो काबा मतलब ऐसे घूम गया था। ये स्टोरी मैंने भी सुनी हुई है, और अगर हम मतलब बिकॉज आई एम अ सिख गर्ल तो मैंने ये सुनी हुई है कि गुरु नानक देव जी काबा गए थे, और जब वो काबा के बाहर बैठे हुए थे तो वहाँ के मौलवी ने आकर उन्हें बोला था कि आपके पैर जो है वो खुदा के घर की तरफ हैं। तो उस पर गुरु नानक देव जी ने ये बोला था कि जहाँ पर आपका गुरु नहीं, मतलब जहाँ पर आपके भगवान नहीं हो, खुदा नहीं हो जहाँ पर आपका, आप मेरे पैरों को उस तरफ मोड़ दीजिए। तो अल्टीमेटली गुरु नानक देव जी का ये कहने का मकसद यही था कि जो खुदा है, आप नहीं कह सकते कि अगर ये जगह आपकी खुदा की है तो बस यही है खुदा और कहीं नहीं है। खुदा हर जगह है, एक रोए रोए में है, हर कण कण में है खुदा। तो इस चीज़ को हम भी मानते हैं, डिनाई नहीं कर सकते कि ये पूरी कायनात ही उस खुदा की बनाई हुई है और वो हर कण कण में है। तो यही जो क्वेश्चन है एक सरदार जी ने डॉक्टर जाकिर नायक साहब से भी पूछा था कि मतलब इसकी मतलब क्या क्या सच्चाई है, या ऐसा कभी कुछ हुआ था या नहीं। तो सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने इस बात का क्या जवाब दिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रोग्राम में आने में थोड़ा सा देर हो गई मेरे को, और अगर मैं यहाँ नहीं आ पाता तो शायद अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाता। आगरा की सरजमी पर आके आपने ये जो रोशनाई जगाई है, ये वाकई में हम तो उस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप जैसे 10-20 और नेक दिल और इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी और पैदा करें, जिससे कि जाके आप भारत का कोना कोना, देश का कोना कोना रोशन करें। तहे दिल से स्वागत आपका। मेरा एक छोटा सा सवाल, सवाल से पहले थोड़ा सा एक, हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। और जैसा कि एक सवाल इससे पहले हो चुका है कि गैर मुस्लिम जो है मक्का मदीना में अलाउड नहीं, या वहाँ का कैंटोनमेंट जो है अलाउड, परमिशन नहीं देता। मगर ये तो तय है, आप मानते हैं, इस्लाम मानता है, हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज है। गुरु नानक साहब के दो चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मर्दाना की बहुत ख्वाहिश थी कि मुसलमान जब तक पूरा मुसलमान नहीं कहलाने का हकदार, जब तक कि वो काबा का दर्शन ना कराए, तो गुरु नानक साहब उसको लेके और काबा गए। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, एक साल लगता था, और वो रूट सारा उसका वर्णन है। और वहाँ जब मक्का जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी, जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहाँ ठहराया जाता था। वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर यह है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो ज़ोर से चिल्लाया, ये कोई हजरत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे मक्का के, काजी रुकनदीन साहब थे, और शाह शरफ, कई हस्तियों के नाम हैं उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है, ये कृपया बताएं। भाई साहब ने एक सवाल पूछा अपने गुरु ग्रंथ साहिब के मुतालिक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ चुका हूँ, और जिस तरीके से, क्योंकि वक्त मुख्तसर सा होने की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला कि गुरु ग्रंथ को भी कोट करूं। आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इवन गुरु ग्रंथ की किताब पढ़ेंगे आप, ग्रंथ जिसे अधि ग्रंथ कहते हैं, और कोई सिख से पूछेंगे कि
कि खुदा का तस्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब को इससे दे सकेगा वो आपको कोट करेंगे जापू जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के सबसे पहले चैप्टर है, सबसे पहला श्लोक जिसके कहते हैं जापू जी, जिसके मानी है कि गॉड इज ट्रू, ही इज ओनली वन, ही इज नॉट बिगॉटन एंड इज फ्री फ्रॉम फियर एंड वॉन्ट। क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा हूं इसलिए मैं अंग्रेजी में उसे कह रहा हूं कि खुदा एक ही है, वो हक है और वो ना किसी को जना है ना किसी को जनेगा, और वो इमॉर्टल है, ना कभी मर सकता है। और इसको सिखिज्म में जो खुदा को कहते हैं ओमकारा, इन मैनिफेस्ट फॉर्म ही इज ओमकारा एंड अनमैनिफेस्ट फॉर्म ही इज एक ओमकारा, और कई इसके एट्रीब्यूट से मिसाल के तौर पे परवरदिगार, अकल, और उसे रहीम कहा गया है, वाहे गुरु एज वन गॉड कहा गया है, और डिस्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड अवतारवादा। भाई साहब का सवाल था कि उनने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहेब मक्का के और उनका पैर काबा की तरफ था और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज़ जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में 2,000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मजहब है जितने मजाहिब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, कुछ सैकड़ों साल पहले 15th century में, टुवर्ड द एंड ऑफ द 15th century गुरु नानक साहेब जो पंजाब के थे, ये मजहब तो कायम हुआ हार्डली 400-500 साल। और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था, और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे, हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1,000 साल पहले जो मुगल ने किए बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहां गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहां के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा, कई किस्से कहानी, ये मैं तस्लीम करता हूं कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीजें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है, और इस्लाम में भी ये नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है चुपके से कोई गया तो हो सकता है, वो भी जवाब दें। तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब का जवाब तो हम सब ने सुना और क्वेश्चन भी, तो ये हकीकत है कि ये चीज़ मेंशन की गई है गुरु ग्रंथ साहिब जी में, और हम मतलब सरदारों ने, हर इंसान ने मतलब एटलीस्ट जितने भी सिख हैं उन सब ने ये चीज़ ज़रूर सुनी हुई है कि ऐसा हुआ था काबा में। और इसके पीछे की क्या हकीकत है, मैं तो वहाँ पर थी नहीं या कोई भी वहाँ पर था नहीं जो उसे कहे कि ये सच है या झूठ है, वी हैव नो आइडिया। बट जैसे डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने मेंशन किया है कि ये ओबियसली हम सबको पता है कि जो सिख रिलीजन है उसकी शुरुआत 500 इयर्स पहले ही हुई है ऑलमोस्ट, तो और कहीं पर भी रिकॉर्ड है ये चीज़ या नहीं रिकॉर्ड ये भी मुझे नहीं पता, बट हाँ बट इस चीज़ के काफ़ी एविडेंस हैं कि गुरु नानक देव जी काबा तो गए थे, और जैसा कि हम सबको पता है कि काबा में जाना अलाउड नहीं है जो भी नॉन मुस्लिम है, और वहाँ नॉन मुस्लिम्स को जाना अलाउड क्यों नहीं है इसका मुझे एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता, बट हो सकता है कि वो जो एक प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बनाया था कि दो लोग थे जो नबी की बॉडी को वहाँ से चुराने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके बाद में वो रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे आई गेस की लगा दी गई थी कि जो नॉन मुस्लिम थे वो वहाँ नहीं आएंगे, ताकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी को वहाँ से दोबारा कोई चोरी करने की कोशिश ना करे। ऑल्दो
वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शंस अब बढ़ा दी गई हैं, अंदर भी वो लावा वगैरह डाल दिया गया है जिससे कि अगर कोई चोरी करने के लिए आए भी तो वो वहाँ तक पहुँच ना पाए, बट फिर भी ये रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं। और इसके अलावा अगर मैं देखूँ कि और जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, चाहे वो इंडिया में है चाहे कहीं बाहर हैं, कहीं पर भी किसी गैर रिलीजन मीन्स जो बंदा उस पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं है, उन लोगों को वहाँ जाने में कोई मनाही नहीं है, बट सिर्फ एक काबा ऐसी जगह यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स लोगों को जाने की मनाही है। तो और उसके क्या क्या रीज़न है कि वहाँ लोग नहीं जा सकते, आई डोंट नो, बट ये भी हकीकत है कि गुरु नानक देव जी वहाँ गए थे उस टाइम तक ये चीज़, क्योंकि कोई मीडिया या ऐसा तो था नहीं कि सब लोगों को इमिडिएटली पता चल जाते कि वहाँ जाना मना है हमारा, तो गुरु नानक देव जी वहाँ पे कैसे मैनेज करके कैसे गए थे, क्योंकि जो भी उस पूरे रास्ते में उन्होंने जो कवर किया था, जैसे वो पाकिस्तान से होकर निकले थे, फिर आगे आगे जितनी भी जगह गए थे वहाँ पर आज भी उनके वो एविडेंस तो मिलते हैं कि हाँ वो इस रास्ते से होकर निकले थे। बट कावा मूव किया था या नहीं किया था इस चीज़ का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, बट हाँ ये चीज़ अगर मैं बात करूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखी गई है तो हाँ ये बात लिखी गई है। और जैसे डॉक्टर जाकिर नायक साहब जी ने भी ये मेंशन किया कि वो इस चीज़ पे कुछ कमेंट नहीं करेंगे बिकॉज ही डजंट वांट टू हर्ट द फीलिंग ऑफ एनीबडी, बट अगर कुछ ऐसी चीज़ होती तो वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अलावा कहीं और हिस्टोरिकल बुक में भी लिखी गई होती। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि एज़ पर द साइंस पॉसिबल नहीं होती, जैसे कि किसी एक जगह का एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना किसी बिल्डिंग का या किसी भी चीज़ का, वो भी एज़ पर साइंस पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम ये चीज़ देखें कि पहले के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि एज़ पर साइंस पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी वो चीज़ें हुई हैं, जैसे कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने चांद के दो टुकड़े कर दिए थे। अगर हम साइंस की बात करें, साइंस भी इस चीज़ की टेस्टिमनी नहीं करता कि चांद के दो टुकड़े होना पॉसिबल है, बट वो हुए थे और ये चीज़ भी हम सब मानते हैं। इवन मैं भी मानती हूँ कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोग उनको फोर्स कर रहे थे कि अगर आप वाकई उस खुदा के भेजे हुए मौलवी पैगंबर हो तो आप कुछ ऐसा करके दिखाओ, तो उन्होंने उस चांद के भी दो टुकड़े किए थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जैसे कि वहाँ बारिश नहीं होती थी तो जब प्रोफेट मोहम्मद ने उस रब से दुआ की थी तो वहाँ पे इतनी बारिश हुई थी कि अगर वो बारिश को रोकने के लिए दोबारा ना बोलते तो वो पूरा शहर वहाँ पे डूब चुका होता। तो अगर हम कहें कि ऐसे कोई इंसान पूजा कर ले या कुछ भी दुआ मांग ले जिससे कि बारिश हो जाए, ये होना पॉसिबल नहीं है, बट क्योंकि उनमें कुछ ऐसी मतलब पावर्स थी जिससे ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। तो मैं ये चीज़ नहीं कहना चाहती कि मतलब अगर पैगंबर जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उन्होंने ये कर दी तो गुरु नानक देव जी ने भी कर दी, या उन्होंने ऐसा कर दिया तो हमारे गुरु जी ने भी ऐसा कर दिया। मैं किसी चीज़ पे आर्गुमेंट नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन और मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस भी नहीं है जिस बात को लेकर मैं किसी से भी आर्गुमेंट करूँ या किसी बात पर मैं बहस करूँ कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हुआ हो, हुआ है या नहीं हुआ, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। वो जो हर रिलीजन के जो प्रीचर होते हैं वो ही इस चीज़ को आपस में आर्ग्यूमेंट करके मीन्स प्रूव करना करने की सोचेंगे या करना चाहेंगे, बट आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो इस पर मेरी तरफ से मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या हकीकत थी क्या नहीं थी, जो मैंने पढ़ा था आज तक बचपन से लेके अभी तक जो चीज़ मैं सुनते हुए आ रही हूँ तो उसके बेसिस पे मैंने बोला है कि हाँ ये चीज़ ज़रूर मेंशन की गई है कि गुरु नानक देव जी के कावा जाने से कावा मूव किया था। डॉक्टर जाकिर नायक साहब जी का ये कहना है कि एज़ पर साइंस ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो सके, तो बस आगे तो कुछ है ही नहीं कि हम किसी और बात पे आर्ग्यूमेंट करें। बट बाकी मुझे बहुत मज़ा आया इस वीडियो पर भी रिएक्ट करके। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब की बात अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया या उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, ये सब बातें ऐसी होती हैं जो कि हर रिलीजन के लोग अपने रिलीजन को या अपने गुरुजी को या अपने भगवान को ऑब्वियसली रिस्पेक्ट देते हैं।
हम लोग कभी भी जो हमारे 10 गुरु रहे हैं उनको भगवान जी बोल के एड्रेस नहीं करते, बिकॉज जैसे इस्लाम धर्म भी विश्वास करता है कि जो सबको पैदा करने वाला है, इस दुनिया को बनाने वाला है, वो सिर्फ एक ही खुदा है। वैसे हम लोग भी इसी बात पे विश्वास करते हैं। इवन गुरु ग्रंथ साहब जी में, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने मेंशन किया है कि जपू जी साहब ने ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो खुदा है वो एक ही है और जो कि इमोर्टल है, और ना उसने किसी को पैदा किया है ना उसको किसी ने पैदा किया है, बस उसने इस पूरी दुनिया को, इस कायनात को बनाया है। तो वी डू बिलीव द सेम, बिकॉज जो जप जी साहब में है यही मेंशन किया गया है कि निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ख जूनी सैभंग गुरु प्रसाद। अकाल मूर्त निर्भउ निर्भैर का मीन्स ये है कि वो किसी से नहीं डरता, वो इन सब डर से बिल्कुल मुक्त है और उसका कोई मूर्त नहीं है। मीन्स उसका हम लोग ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते या ऐसी कोई मूर्ति नहीं बना सकते कि ये उस खुदा की मूर्ति है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है। और इसी चीज़ पे विश्वास करते हुए अगर आप देखें कि जो सिख कम्युनिटी होती है, हम लोग भी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो बट ये भी सच है कि जो हिंदू रिलीजन है उसमें क्योंकि मूर्तियों की पूजा की जाती है तो हम लोग उसकी रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। हम कभी नहीं कहते हैं कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं या नहीं मानना चाहिए, वो उनका कल्चर है, वो लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, वो जैसे जिसको मन की शांति मिलती है, खुशी मिलती है। वी डू बिलीव कि इंसान को वैसे ही फॉलो करना चाहिए, और बट हर इंसान को जिस भी रिलीजन का वो है, जिस भी रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, उस रिलीजन की रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। और आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं जी। बाय बाय।